हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। और ये है हमारा वीकली मार्केट आउटलुक, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इस वीक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और हमें अपना मार्केट आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीक हमने काफी हद तक एक सिगजैग मूव निफ्टी के अंदर बनते हुए देखी, और बाय द एंड ऑफ द वीक फिर से जो लास्ट वीक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 16950, एग्जैक्टली उसी के पास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और जो क्लोजिंग दी है वो 16950 के आसपास में ही दी है। अब नीचे में एक बहुत बड़ा लेवल जो निकल कर आता है, दैट इज इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ करीब निकल कर आता है 16800 से 16750 के रीजन में हम मान सकते हैं। यानी कि अगर 16950 के लेवल को तोड़कर निफ्टी कुछ टाइम सस्टेन करता है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट सीधा 16800 16750 की रेंज के अंदर आकर निकलता है। ऊपर में अगर हम बात करें तो अब निफ्टी के लिए लास्ट वीक की ही तरह लेवल वही है, 17150 से 17200 की जो रेंज है, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए बनी हुई है। यानी कि कुछ बहुत बड़े लेवल्स हैं जिन्हें इंडेक्स कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर में 17150 17200 का जोन, और नीचे में 17950 एक ऐसा लेवल है जिसको बार बार इंडेक्स सपोर्ट लेता है और वहां से एक टर्नअराउंड करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले 16950 पर हमें नजर रखनी है। अगर ये टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 16750 16800 की रेंज में आता है, एंड अगर यहाँ से एक टर्नअराउंड आता है तो फिर से हम 17200 की तरफ की एक मूव बनते हुए इंडेक्स में जरूर देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने रिलेटिवली एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। नीचे में करीब 38600 का सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी मूव वहां से हमें दिखाई है, करीब 1500 पॉइंट्स की अप मूव वहां से बनी। अब थोड़ी सी करेक्शन में जरूर आ चुका है, बट फिर भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 39400 के करीब, जहां पर इंडेक्स ने आकर क्लोजिंग ली है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभी तक तो ये सपोर्ट टूटा नहीं है। तो आने वाले एक दो सेशंस में ये देखना जरूरी होगा कि अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ एक टर्नअराउंड हमें बनता हुआ दिखा सकता है, तो फिर से हम 40,000 से ऊपर निकलने की कोशिश बैंक निफ्टी के अंदर करेंगे। एंड इन केस 39400 को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर से हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है 38950 39,000 के करीब, वहां तक की एक मूव बनती हुई दिख सकती है। यानी कि दोनों ही इंडेक्सेस इस समय अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर बने हुए हैं, और यहां से अगले एक दो सेशंस की मूव को देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वही ये डिसाइड करेंगे कि आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही किस डायरेक्शन में अपने मोमेंटम को कैरी करते हुए दिखने वाले हैं। बट कुछ लेवल्स को हमें दिमाग में रखना जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए 39400 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके ऊपर मार्केट अभी बना हुआ है। एक टर्नअराउंड मिलता है तो 40,000 40,100 तक के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को बाय भी किया जा सकता है। बट यहां से अगर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो एक 400 से 450 पॉइंट का फॉल भी टूवर्ड्स 39,000 38950 हमें बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के लिए कुछ क्रूशियल लेवल्स जिनके ऊपर हमें इस पूरे वीक में नजर बनाकर रखनी है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।